इस हफ्ते भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कार अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं पहली अपडेट के साथ। बहुत जल्द टाटा मोटर्स की 3 नई कार्स लॉन्च होंगी, जिनमें टाटा अल्ट्रॉस रेसर, टाटा नेक्सॉन सीएनजी और टाटा की कर्व शामिल है। भारतीय कार मार्केट में टाटा मोटर्स तीसरी सबसे बड़ी ब्रांड बनी हुई है। यहाँ पर मारुति सुजुकी जो कि लगभग 40% के मार्केट शेयर के साथ बनी हुई है नंबर वन पोजीशन पर, सेकंड पर 14.22% के साथ है ह्यूंडे और थर्ड पोजीशन पर 13.63% के साथ टाटा मोटर्स बनी हुई है। देखा जाए तो ह्यूंडे और टाटा मोटर्स में काफ़ी कम डिफरेंस है। यहाँ पर अब मार्केट में 3 नई एंट्री होने जा रही है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें सबसे पहले टाटा अल्ट्रॉस का रेसर एडिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसको अनवील किया जा चुका है। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि नेक्सॉन में आता है, जो 120 पीएस की मैक्सिमम पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड अल्ट्रॉस से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टॉर्की रहने वाली है। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वॉइस असिस्टेड सनरूफ और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। मार्केट में ये Hyundai i20 N लाइन को राइवल करेगी। वहीं टाटा नेक्सॉन iCNG, इसको भी अनवील किया जा चुका है। यहाँ पर आपको फैक्ट्री फिटेड CNG मिलने वाली है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में। ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो नेक्सॉन में अभी आता है। ये आपको मैनुअल और हो सकता है कि AMT में मिल जाए, जिस तरीके से AMT आपको CNG में टियागो और डिगोर में देखने को मिला, तो हो सकता है नेक्सॉन में भी मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये सेल्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। प्राइस की बात की जाए तो लगभग 1 लाख रुपये महंगी होगी ये पेट्रोल वेरियंट से। वहीं टाटा की कर्व आएगी, ये फर्स्ट कूपे SUV रहने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से। ये इलेक्ट्रिक मॉडल्स के अलावा आइस में भी आएगी, यानी कि पेट्रोल डीजल इंजन ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। पहले इसका इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया जाएगा। मार्केट में ये Hyundai क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टॉस, हाईराइडर, एलिवेट, टाइगून, कुशैक जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। और जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा वो क्रेटा EV, मारुति EVX और टोयोटा EVX को राइवल करेगा। यानी कि अभी EV में कोई ऐसा डायरेक्ट राइवल इसका मार्केट में नहीं है। वहीं जो इसका आइस वर्जन होगा 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएगा, और डीजल इंजन जो नेक्सॉन में आता है 1.5 लीटर का, वही आपको देखने को मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा XUV की जो इलेक्ट्रिक सीरीज आएगी उसमें काफी सारे नए प्रोडक्ट्स हैं। और अभी महिंद्रा की तरफ से एक नई अपडेट सामने आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स आएंगे उसमें आपको ऑक्टागोनल 2-स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा नेक्सॉन में भी बीच में एक डिजिटल लोगो देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या एडिशन किया है। फिलहाल तो बस ये इमेजेस सामने आई हैं। जो ये नए प्रोडक्ट होंगे ये महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रहने वाले हैं। बात करें अगली अपडेट की, टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा कर्व को लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान उसका इंटीरियर सामने आया है। ये इंटीरियर काफी हद तक नई वाली हैरियर से इंस्पायर्ड लग रहा है। ये इंटीरियर की कुछ लीक इमेजेस सामने आई हैं कार देखो की तरफ से। इंटीरियर काफी अपीलिंग लग रहा है। डुअल टोन इंटीरियर आपको मिलेगा प्रीमियम लेदर स्टिचिंग के साथ में। बात करते हैं अगली अपडेट की। फाइनली महिंद्रा XUV700 का AX5 सिलेक्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। ये मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट है 7 सीटर में। इसमें आपको सनरूफ और डुअल स्क्रीन भी देखने को मिल रही है। ये केवल 16,89,000 रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर अवेलेबल, और डीजल वेरिएंट के लिए प्राइस 17,49,000 रुपए एक्शोरूम रखी गई है। ऑटोमेटिक भी पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ ही मिल जाएगा 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके। यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डुअल पेन सनरूफ, डुअल 10.24 इंच की डिस्प्लेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार सूट मिल जाएगा यहाँ पर आपको, 6 स्पीकर्स, 3rd row में AC वेंट और LED DRL जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। महिंद्रा का जो मेन पॉइंट है AX5 सिलेक्ट वेरिएंट से, वो टारगेट करना है अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट को। मार्केट में टाटा हैरियर, सफारी, MG हेक्टर और अल्काज़ार को राइवल कर रही है। अगली अपडेट की बात करें तो निसान मैग्नाइट का गेजा एडिशन अब टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन में भी लॉन्च कर दिया गया है। ये एक सब-4 मीटर SUV है जिसकी काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। लास्ट ईयर गेजा एडिशन को 7,39,000 रुपए में लॉन्च किया गया था। काफी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक इसको मिले। इसमें आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, प्रीमियम JBL के स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम मिल जाएगा, प्रीमियम बेस्ड लेदरेट अपोल्स्ट्री इसके अंदर मिलने वाली है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आने वाली है। देखा जाए तो काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको काफी चीजें ऑफर की जा रही हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। सुजुकी EWX को पेटेंट कर लिया गया है इंडिया में। 2025 में एक तरीके से मान लें आपके इलेक्ट्रिक वैगनार लॉन्च की जाएगी जो टियागो EV को राइवल करेगी।
मारुति का उद्देश्य है कि एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाना, साथ ही साथ ये अगर लॉन्च होती है मार्केट में तो एक काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अफोर्डेबल रखी जाती है तो। बाकी यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाएंगे और देखा जाए तो अब इसका कुछ लुक इस तरीके का लगने वाला है। बाकी प्रोडक्शन रेडी वर्जन अभी सामने नहीं आया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ईपिक एडिशन लॉन्च किया गया है। ये इसके एलेक्साई मॉडल पर ही बेस्ड है। यहाँ पर लगभग 68,000 रुपए देकर के ये 26 एसेसरीज आपको मिल जाती हैं मारुति सुजुकी डीलरशिप से, जिसमें आपको ये यहाँ पर देखा जाए तो जो बेस एलेक्साई वेरिएंट है वो काफी अच्छे तरीके से इक्विप्ड है फीचर्स के साथ में, सेफ्टी फीचर्स के साथ में। साथ ही साथ ये ईपिक एडिशन वाला एसेसरीज पैक अगर आप लेते हैं तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी साबित होता है, तो देखा जाए तो एक अच्छी चॉइस ही आपके लिए हो सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO की जब बुकिंग शुरू की गई तो 50,000 से ज्यादा बुकिंग इसको पहले ही दिन मिल गई थी और अभी भी इसकी बुकिंग्स चल रही हैं। देखा जाए तो अब डिलीवरीज का टाइम आ चुका है तो आज से ही इसकी डिलीवरी शुरू की जाएंगी। साथ ही जो स्टार्टिंग के वेरिएंट है उस पर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आपको देखने को अभी मिल सकता है। अभी फिलहाल इसके AX5, AX5 लग्जरी और MX3 और MX3 प्रो की डिलीवरी शुरू की गई है। जून में इसके AX7 और AX7 लग्जरी की डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी और मिड जून में आपको MX1, MX2 और MX2 प्रो की डिलीवरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसके फीचर्स, इसका कंपैरिजन सब हमने बता दिया है, नेक्सॉन के साथ इसको कंपेयर भी किया हुआ है, वो आप डिटेल वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। न्यू जनरेशन जीप कंपास बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी, एडवांस स्टेज पर है इसका डेवलपमेंट। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्जन भी इसका आ सकता है जो लगभग 700 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। इस साल के अंत तक इसका भी डेब्यू करवा दिया जाएगा और काफी डिजाइन में चेंज रहने वाले हैं। अभी ये कुछ रेंडर निकल करके सामने आए हैं, कुछ इस तरीके का डिजाइन हो सकता है, हालांकि काफी मेजर चेंजेस किए जाने हैं। फीचर्स की बात की जाए तो एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा शार्प प्रोफाइल देखने को मिलेगी और जो लुक रहेगा इसका काफी अग्रेसिव रहने वाला है। बात करते हैं अगली अपडेट की। किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में और अपडेट्स मिल गए हैं। देखा जाए तो किया बैक टू बैक अपडेट्स दे रहा है, स्टार्टिंग के वेरिएंट में ज्यादा अपडेट दे रहा है। जिस तरीके से इससे पहले भी सेल्टॉस में कुछ अपडेट मिले थे और सोनेट में भी अपडेट मिले थे, अभी फिलहाल एक और अपडेट सामने आ रही है कि जिसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है STE, अब वो 7 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर ये केवल दो ही ऑप्शन में पहले मिला करता था, जहाँ पर व्हाइट और सिल्वर कलर आता था, अब यहाँ पर आपको ये 7 कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए तो मिड साइज SUV सेगमेंट में भी कंपटीशन काफी ज्यादा है, सब फॉर्मेटर SUVs की तरह ही। क्रेटा के मार्केट में लॉन्च हो जाने के बाद से ही इस सेगमेंट में भी हलचल मची हुई है, बैक टू बैक और कार्स भी अपडेट दे रहे हैं, प्राइस कट भी देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ फीचर एनहांसमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। 2025 में महिंद्रा XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका हेडलाइट सेटअप का पेटेंट निकल करके सामने आ गया है, जो कि काफी स्लीक लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी काफी बड़े बड़े अपडेट्स दिए जा रहे हैं और साल 2025 और 26 में आप देखोगे कि हर दूसरे तीसरे महीने आपको कोई ना कोई बड़ी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होती हुई मिल जाएगी, जिसमें महिंद्रा की भी कई कार्स रहने वाली हैं। अगली अपडेट की बात करें तो रेंज रोवर की तरफ से बड़ा प्राइस कट देखने को मिल रहा है, 56 लाख रुपए तक कट कर दिए गए हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स, यानी कि जो पहले कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट आते थे, यानी कि वो गाड़ियां जो कम्प्लीटली तैयार गाड़ी आती थी, बस यहां पर मार्केटिंग और सेल्स होती थी, उन पर टैक्स ज्यादा लगता था। लेकिन जो ये कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स होते हैं, इनमें पार्ट्स अलग अलग आते हैं, जिस तरीके से यहां पर उनकी असेंबली की जाती है, जिसकी वजह से इस पर जो टैक्स लगता है वो कम लगता है CKD यूनिट्स पर, तो इसी वजह से बड़ा प्राइस कट यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो किया कार्निवल की नई जनरेशन को अपडेट करके लॉन्च किया जाएगा भारत में। ग्लोबल मार्केट में तो आपको V6 पेट्रोल इंजन के अलावा पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली 2.2 लीटर डीजल इंजन का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये एक लग्जरी MPV रहने वाली है, 35 से 40 लाख रुपए के बजट में आने वाली है और इसमें आपको टाइगर नोज ग्रिल फ्रंट में देखने को मिलेगी क्रोम इंसर्ट्स के साथ में। जो ये फेस लिफ्टेड मॉडल है ये ग्लोबल वर्जन पर ही बेस्ड रहने वाला है और फ्रंट में आपको इन्वर्टेड एल शेप LED डायल्स देखने को मिलेंगी वर्टिकली अरेंज LED हेडलाइट के साथ में। स्पोर्टियर फ्रंट बम्पर और रडार मॉड्यूल एडास वाला देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। ट्विन 12.3 इंच के हॉरिजॉन्टल स्क्रीन इसमें मिलेंगे। इसमें आपको और भी कई सारे लग्जूरियस फीचर्स भी मिलने वाले हैं जब इसको अनवील किया जाएगा, तो और जानकारियां जब सामने आएंगी तो इसका डिटेल वीडियो और हम आपके लिए बनाएंगे।
ये भारत में सीकेडी रूट से आएगी, यानी कम टैक्सेस लगेंगे, इसीलिए इसकी प्राइसेस 40 लाख रुपए के आसपास ही रहने वाली हैं। अदरवाइज सीबीयू रूट से आती तो ये डबल प्राइसेस में आती और ये काफी महंगी पड़ती। अगली अपडेट की बात करें तो एमजी ग्लॉस्टर की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा। एमजी ग्लॉस्टर जो है वो ग्लोबल मार्केट में आने वाली मैक्सस D90 पर बेस्ड है। ग्लोबल मार्केट में मैक्सस D90 का ये वाला नया लुक सामने आया है, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी ये लुक एमजी ग्लॉस्टर के फेसटिव वर्जन में देखने को मिलेगा। इंडिया में ये काफी बड़े अपडेट आपको मिलने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर के साथ। 35 से 40 लाख रुपए के बजट में आती है। वहीं देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से इसमें आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है एमजी की तरफ से। बात करते हैं अगली अपडेट की। निसान की तरफ से एक्सट्रेल एसयूवी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द। निसान की एसयूवी 5 और 7 सीटर में आ सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो अनवील किया जा चुका है पहले ही, और इस साल जुलाई 2024 में आपको ये देखने को मिल जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो निसान एक्सट्रेल एसयूवी को इसी साल जुलाई अगस्त के आसपास तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सीबीयू रूट से भारत में आएगी। यहाँ पर ये फोर्थ जनरेशन निसान एक्सट्रेल ग्लोबल मार्केट में 2021 से ही अवेलेबल है। इसमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 201 bhp की मैक्सिमम पावर और 305 nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। ये सीवीटी गियरबॉक्स के साथ भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको पेट्रोल इंजन के ही ऑप्शन मिलेंगे, डीजल का कोई इंजन ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब देखते हैं यहाँ पर ये किस प्राइस पर लॉन्च की जाती है। भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से मैच नहीं होते हैं फीचर, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है सेल्स पर इसका। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।